हैं इनकी अगले आने वाली एपिसोड नंबर 47 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन आपको बताते चलें कि इस वीडियो में जितनी भी बातें की गई हैं ये सारी हमारी प्रेडिक्शन होती हैं। अगर आप हमारी राय से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए से जरूर बताइएगा क्या आपको हमारी प्रेडिक्शन सही लगी। चले आइए बढ़ते हैं वीडियो में। दरवाजा बंद करने के बाद दोनों में लड़ाई होगी, दोनों में बातचीत होगी, यहाँ तक कि मीरब अपने प्यार को कन्फेंस भी कर लेगी और दोनों में फिजिकल कॉन्टेक्ट भी हो जाएगा। मीरब रूहेल की तरफ से भी सारी बदगुमानी को खत्म कर देगी और कन्फेंस कर लेगी कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। के फौरन ही बाद मुर्तसिम खान के लोगों का फोन आएगा और वो बताएंगे कि रूहेल को कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद आपको ये सीन दिखाया गया है जिसमें मीरब बेड के सरहाने बैठकर रो रही है और मुर्तसिम बेड पर बैठा हुआ है। दोनों यही सोच रहे होंगे कि रूहेल के साथ बहुत ज्यादती हुई है। उसके बाद मुर्तसिम का शीशा तोड़ने वाला सीन आपने देखा होगा। मुर्तसिम को ये रियलाइज हो जाएगा कि मैंने रूहेल के साथ गलत किया है। हया के डायलॉग जिसमें वो कह रही होती है कि तुम मुर्तसिम की जिंदगी से चली जाओ यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी, तो वो रूहेल के कत्ल का बदला इस तरह से मीरब से दिलवाए। इस सब के बाद भी अगर आपको लगता है कि मुर्तसिम मीरब के साथ ज्यादती करेगा तो कमेंट सेक्शन के जरिए से लाजमी बताएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।